दुरंतो एक्सप्रेस में लूट भी गुजर और इधर भी रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए आप लगातार तत्पर है, क्या कुछ हो रहा है सुरक्षित महसूस कर सके यात्री? अभी हमारा बेसिकली टारगेट है कि छठ को लेके अभी खासकर दिल्ली से जो ट्रेन्स आ रही हैं, साउथ से आ रही हैं, मुंबई से जो आ रही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ अभी आ रही है इन पर्व को लेके। तो हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी ये है कि स्टेशन पे कोई भगदड़ टाइप का सिचुएशन नहीं आए। तो अभी हमारी प्रायोरिटी पे है कि जो भी पैसेंजर्स आ रहे हैं उनको सेफली जो है हम स्टेशन एरिया से उनको अच्छे से निकाल दें बाहर। और रही बात दुरंतो को लेके, दुरंतो वाले इंसिडेंट के बाद से जो रात्रि ट्रेन से उसमें साहब लोगों द्वारा स्कॉटिंग की संख्या बढ़ा दी गई है और हम दो स्पेशल टीमों का गठन भी किया गया है जो ये इंश्योर करेंगे कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो नहीं हो। एक टीम है पटना से DDU और एक टीम है पटना से झाझा के लिए, तो दो टीमें हैं जो अभी एक्टिवेट हैं। और सादे लिबास में भी हम रख रहे हैं क्योंकि इस समय अभी जो आपराधिक गतिविधियाँ हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को पता रहता है कि लोग अभी कमा के आ रहे हैं, तो वो उनका इजी टारगेट रहता है कि इनसे हम कुछ आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे दें। तो सादे लिबास में भी हमने अभी तैनाती की हुई है ताकि इस प्रकार की कुछ जो घटनाएं हैं वो रुक सकें। रेल यात्रियों से क्या अपील करेंगे? रेल यात्रियों से यही अपील है कि उतरने में ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करें, ट्रेन का स्टॉपेज जो है वो सफिशियंट है और आप आराम से उतर सकते हैं। और इन केस नहीं उतर सकते हैं, जो भी ऐसी ट्रेन हमको लगती है कि जिसमें बहुत ज़्यादा रश आ रहा है, तो हम गार्ड ड्राइवर को बोल के एक आध मिनट का उसका एक्स्ट्रा स्टॉपेज भी ले लेते हैं कि अभी पैसेंजर सभी उतर ही रहे हैं, क्योंकि हम हर गाड़ियों को हमारा स्टाफ पास कराता है, तो वो इंश्योर भी हो लेता है कि लोग उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं। तो लोगों से यही अपील है कि वो हड़बड़ाएँ नहीं, उनको वो आराम से अपना पूरा सामान लेके सफिशियंट टाइम रहता है। और अभी नशाखुरानी गिरोह भी इस समय सक्रिय हो जाता है, तो किसी भी अनजान व्यक्ति से न खाने का कोई सामान लेना है, न पीने का कोई सामान लेना है, और अपने सामान और अपने स्वयं की रक्षा उनके हाथ में भी बहुत हद तक निर्भर करता है। वो अपने आप को अलर्ट मोड में रखेंगे तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। RTF की त्वरित सहायता अगर किसी को चाहिए हो तो टोल फ्री नंबर वगैरह? जी हाँ, एक 139 नंबर है जिस पर आप सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ भी जो आपको इश्यूज़ हैं आप कॉल करके वहाँ बता सकते हैं, आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलेगा। क्या नंबर है? 139।